जैसे शौक वाली होगी तो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या बोला तूने? दोस्तों दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें भाई मैंने दो चैनल आइडिया बताए हुए थे, जिसमें कि भाई एक था रिएक्शन चैनल, ठीक है। अब भाई उसमें काफी लोगों का कमेंट आ रहा था नीरज भाई रिएक्शन वीडियो कैसे बनाते हैं, जो शॉर्ट टाइप की जो रिएक्शन वीडियो होती है वो कैसे एडिट करते हैं, कैसे शूट करते हैं, वो भाई आप बताओ, ठीक है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपको रिएक्शन वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है, और आपको रिएक्शन के लिए वीडियो क्लिप कहाँ से मिलेगी वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ में भाई पूरा एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे आपको रिएक्शन आपकी शॉर्ट्स को एडिट करना है जिससे भाई आपकी शॉर्ट्स वायरल हो। देखो भाई सबसे जो मेन रोल अदा करता है ना वो भाई आपका वीडियो ही करता है। अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं हो तो भाई वीडियो वायरल कैसे होगा? टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं होता, ठीक है। मेन चीज होता है वीडियो। अगर आपकी वीडियो में लोग रुक रहे हैं इसका मतलब कि भाई आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अगर भाई आपकी वीडियो वहां पर पहुंचती है लोग स्किप कर रहे हैं तो भाई समझ लो कि आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। अब भाई स्किप कब करेंगे लोग? जब आपकी वीडियो की एडिटिंग वगैरह अच्छी नहीं होगी, आप लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो भाई आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई इस टाइपिक कैसे आप लोग रिएक्शन शॉर्ट्स को बनाओगे, कैसे यहाँ पर बनाना होगा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीरज राजपूत, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीकली टेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार रिएक्शन टाइप की शॉर्ट्स को शूट किस प्रकार से करना है, क्योंकि भाई मेन प्रॉब्लम यहीं पर आएगी कि आखिरकार हम रिएक्शन कैसे दें एक ही फोन से, क्योंकि मुझे पता कि भाई मैक्सिमम लोगों के पास एक ही फोन है और एक फोन से से आप लोग इस टाइप की वीडियोस को बना सकते हो वो दोस्तों प्रॉपर आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको कोई भी दूसरे फोन की जरूरत नहीं है, आप लोग एक ही फोन से मैनेज कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। देखो ये आपका एक फोन हो गया, ठीक है। फोन अब आपको क्या करना है कि आप लोग कहीं पर रख सकते हैं या फिर आप लोग हाथ में भी ले सकते हो ऐसे, या फिर अगर आप लोग रख दोगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, मतलब कि दोनों आपके हाथ फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। तो आप लोग कहीं पर रख दीजिए, अगर आपके पास ट्राईपॉड की सुविधा है तो भाई बहुत अच्छा बात है, और फिर आप लोग बना भी सकते हो ट्राईपॉड घर में, ठीक है। तो ये चाहे सब जुगाड़ है, अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो भाई जुगाड़ सीखो करना, ठीक है। तो भाई ट्राईपॉड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, आप लोग जुगाड़ बना सकते हो बांस का बना करके, ठीक है, बोतलों वगैरह से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो जुगाड़ करना सीखो भाई, आप लोग पैसे मत खर्च करो, जितना ज़्यादा हो सके कि भाई मैं ऐसे जुगाड़ करके बना लूंगा तो भाई जुगाड़ करके बनाओ, क्योंकि भाई जब मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं उन्हें जुगाड़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो, जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो देखो अगर आपके पास कोई भी ग्रीन स्क्रीन हो तो भाई वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन होगी तो भाई आप लोग बैकग्राउंड को चेंज वगैरह कर सकते हो, अगर आप लोग चेंज करोगे तो भाई और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन हो की सुविधा है तो भाई आप लोग ग्रीन स्क्रीन लगा लीजिए पीछे और इसको सामने रख लीजिए और आप लोग रिएक्शन दीजिए। अब काफ़ी लोगों का कमेंट आएगा कि भाई मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो भाई अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है आप लोग भी चाहते हो बैकग्राउंड को चेंज करना तो भाई मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि आखिरकार आपको विथआउट ग्रीन स्क्रीन कैसे आपको अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है और भाई आप लोग प्रॉपर चेंज कर सकते हो, किसी को भाई पता नहीं लगे कि भाई ये इसमें ग्रीन स्क्रीन लगी है या फिर नहीं, ठीक है। वो दोस्तों ट्रिक है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, बहुत जल्दी वो वीडियो डाल दूंगा। तो देखो आपको क्या करना है, इस प्रकार शूट कर लें जैसे कोई वीडियो क्लिप है, जैसे शौक वाली है या फिर हंसने वाली है, तो आपको सामने फोन रख देना है या फिर हाथ में भी ले सकते हो और शूट करना है। जैसे शौक वाली होगी तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, इस प्रकार से आपको जो है शूट कर लेना है। अगर भाई हंसी वाली वीडियो क्लिप है तो भाई हंसी वाली इस प्रकार से आपको शूट कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद अगर कोई गुस्से वाली है, ठीक है, गुस्से वाली में रिएक्शन देना है तो आपको इस प्रकार से वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, और अगर लाइक करने के लिए तो ऐसे आपको बोलना है, ठीक है, मतलब ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से रिएक्शन देना है, ठीक है। रिएक्शन देने के बाद जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा, बारी आती है एडिटिंग की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार आपको किस प्रकार से ऐसे वीडियो क्लिप को एडिट करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो क्लिप वगैरह कहाँ मिलेंगी, कहाँ से आपको वीडियो क्लिप उठाना है, ये बहुत भाई लोगों की प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको किस प्रकार से वीडियो क्लिप मिलेंगी, कहाँ से मिलेगी, वो भी दोस्तों आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इसको एडिट किस प्रकार से करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार एडिट किसको किस प्रकार से करना है। तो देखो मैं चुका मोबाइल की स्क्रीन पर और दोस्तों मैंने यहाँ पर काइनमेस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। आप लोग किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको रेशियो सेलेक्ट करना पड़ेगा,
वाला। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये देखो जो रेशियो है शॉर्ट्स वाला, तो आप लोग 9:16 वाले रेशियो को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप लोग 1:1 का आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ 9:16 वाला। देन इसके बाद यहाँ पर सिंपली से आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली से इमेज एसेंस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर जो है ब्लैक वाला बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर सिंपली से मैंने सिलेक्ट कर दिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लेयर पर चले जाना है और उस वीडियो क्लिप को आपको लेना है जिस पर आपने रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से मैं उस वीडियो क्लिप को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको प्रोफेशनली बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। और इसको यहाँ पर जो है बड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पर जो है बड़ा करके एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी नीचे रिएक्शन वाली वीडियो भी लग जाए। कुछ प्रकार से मैंने यहाँ पर जो बड़ा करके यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो लेयर पर क्लिक करना है, मिड पर क्लिक करना है और वो वाली वीडियो ले लेना है जहाँ से जो आपने रिएक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिंपली से उस वाली वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको जो है थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जो है फिल्टर पर चले जाना है, यहाँ पर आप लोग फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आपको फिल्टर लगाना है आप लोग फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर जो चेंजमेंट भी कर सकते हो, जिसके मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप लोग करना हो तो आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है देखो इसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख देना है। तो यहाँ पर सिंपली इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से, अगर आपको इसको कट करना है तो आप लोग कट भी कर सकते हो। सिंपली से अगर आप लोग कट करना चाहें तो आप लोग कट भी कर सकते हो, ठीक है। कट करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसको जो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से हमारा छोटा हो गया। तो जैसे यहाँ पर जो आपको इस जो साइड से आपको कट करना है, तो यहाँ पर क्रॉप पर चले जाना है और यहाँ पर जो है कुछ प्रकार से आप लोग इसको कट कर सकते हैं। कुछ प्रकार से मैंने कट कर लिया है, अपने हिसाब से आप लोग कट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखो यहाँ पर सिंपली से हमारी जो ये वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ऊपर से कट करना है तो यहाँ पर सिंपली से फिर से आपको क्लिक करना है, क्रॉप पर चले जाना है और यहाँ पर जो इसको क्रॉप कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी हो गई वीडियो, ये बन करके आपकी वीडियो रेडी हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पर प्ले करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। तो यहाँ पर सिंपली इसको प्ले कर देता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है, कहाँ आपका वीडियो जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अगर वो वीडियो अगर ऊपर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो आप लोग साइड में भी कर सकते हो। साइड वाले भी मैं आपको एडिटिंग सिखा देता हूँ। इसको आप लोग वीडियो को साइड में भी आप लोग रख सकते हैं सिंपली से इस प्रकार से, ठीक है। इसको वीडियो को आप लोग साइड में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला वीडियो हो गया, आप लोग साइड में मतलब कि जहाँ से आपको वीडियो कटना नहीं चाहिए सिंपली से आपका काम भी हो जाना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसको आप लोग और छोटा कर सकते हो, अगर आपका वीडियो कट रहा है तो इसको आप लोग और भी छोटा कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो, मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी वीडियो कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेन चीज ये है, आप लोग चाहे जैसे भी रखो वीडियो नहीं कटनी चाहिए, आप बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो पर सिंपली से मैंने कुछ इस प्रकार से रख दिया है। अब देखो मैं चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है और ये देखो, ये देखो यहाँ पर मैं सिंपली से रिएक्शन दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है, ये देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रिएक्शन आप हो गया, जिसके बाद यहाँ से हमारी वीडियो खत्म हो गई। तो यहाँ पर सिंपली से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, कट कर दिया। अब यहाँ पर जो क्या करना है, देखो ऑडियंस को टिकाए रखने के लिए आपको क्या करना है, लेयर पर चले जाना है, टेस्ट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है वेट फॉर एंड, वेट फॉर एंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से वेट फॉर एंड लिख देना है और यहाँ पर जो है टेक्स्ट को ओके कर देना है। और यहाँ पर जो बीच में भी रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो या फिर नीचे रख सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली से फॉन्ट पर चले जाना है, फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट रखना है तो आप लोग रख सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, देन ये देखो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है अगर आप लोग शैडो वगैरह देना चाहें तो शैडो वगैरह भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब भाई लोग क्या सोचेंगे, वेट फॉर एंड मतलब कि एंड में क्या होने वाला है, ठीक है। तो लोग वेट करेंगे और यहाँ पर कुछ और भी आप लोग टाइटल दे सकते हो, लाइक ओ माई गॉड इसने क्या कर दिया, या ऐसे मतलब कुछ इस प्रकार सस्पेंस हो आप लोग टाइटल दे सकते हो। देखो भाई ऑडियंस को टिकाए रखने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग दिमाग लगा लोगे उतना ज़्यादा आप लोग व्यूज भी छापोगे। ऑडियंस का टिकने का मतलब कि भाई वीडियो वायरल होना पक्का ही पक्का है, ठीक है। तो ऑडियंस को आपको टिकाए रखना है। टिकाए रखने के लिए आप लोग टेस्ट का यूज कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, ठीक है, आगे आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहें तो आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए आप लोग क्या करना है, ऑडियो पर चले जाना है सिंपली से और यहाँ पर जो है कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हो। लाइक यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देना है आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैं अपने हिसाब से कोई दे देता हूँ, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया। तो अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हो और भाई अच्छा खासा जो यहाँ पर ये वाला बन जाता है शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको ज़्यादा भी एडिट करना है तो आप लोग ज़्यादा साउंड इफेक्ट के साथ एडिट कर सकते हो, जैसे मीम्स वगैरह लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर जो है कोई हंसी वाली मीम्स है, ठीक है, मतलब कोई हंसी वाली चीज़ है तो यहाँ पर सिंपली इसको कट करिए, ठीक है। तो आप मीम्स भी लगा सकते हो, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो जैसे मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ पर जो है
डाउनलोड पर चले जाता हूँ सिंपली से। तो देखो मैंने यहाँ पर जो एक मीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसको भी आप लोग लगा सकते हो। मतलब कि यहाँ पर एडिटिंग के बहुत सारे तरीके आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसको ब्लर कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ पर नीचे वाले को ब्लर कर सकते हो पूरा, और यहाँ पर ऊपर मीम्स भी चला सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको करके, जैसे लाइक ये वाला हो गया, तो यहाँ पर सिंपली इसको फुल कर देना है इसको भी, और यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से मैंने कर दिया इसकी जो, और आप लोग इसको जो सेटिंग्स कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जिसके बाद इसको बैक कर देना है, बैक करने के बाद जैसे आप लोग बैक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इनको यहाँ पर बैक कर देना है सबको, यहाँ से आप लोग थ्री डॉट में क्लिक करके आप लोग बैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से मैं इसको, सॉरी बैक हो गया, क्या बैक हो गया, तो यहाँ पर सिंपली से मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर उनको बैक कर दिया, और यहाँ पर जो मैंने एक मीम चला दिया। तो आप लोग सिंपली से इस प्रकार से मीम्स भी चला सकते हो, मतलब कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग के बहुत सारे तरीके हैं जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ये देखो नॉर्मल एडिटिंग है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना चाहते हो तो आप लोग मीम्स का उपयोग कर सकते हो। मीम्स का उपयोग करने से ये होगा कि भाई यहाँ पर आपकी वीडियो और ही ज़्यादा एंगेजिंग बन जाती है, ठीक है। तो मीम्स का आप लोग उपयोग कर सकते हो, और सिंपली से आप लोग जैसे आपकी एडिट हो जाए रील्स, तो आप सिंपली से इसको आप लोग यहाँ पर जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके आप लोग यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हो, जितने भी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म वहाँ पर भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, और भाई पैसे छाप सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से अपनी रिएक्शन टाइप की शॉर्ट्स वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार हम तो वीडियो तो बना लेंगे, हम तो एग्री हैं ऐसा चैनल बनाना, लेकिन हमको वीडियोज क्लिप कहाँ मिलेंगी, हम किन से किन की वीडियो से हम रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार हमको वीडियोज क्लिप कहाँ मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको वीडियोज क्लिप कहाँ मिलेंगी। देखो सिंपल से आपको क्या करना है, जितने भी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है लाइक मौज हो गया, ठीक है, और जिले तो भाई बहनी हो गया है, और भी बहुत सारे हैं जैसे मैक्स टकाटक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको टाइम भी स्पेंड करना है, ठीक है। टाइम स्पेंड करोगे तो वहां से आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे ऐसी ऐसी, उनको आपको सिंपली से डाउनलोड करना है और भाई उन्हीं पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपके शॉर्ट्स मिल जाएंगी, उनको भी आप लोग डाउनलोड करके और आप लोग उन पर रिएक्शन दे सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं उन पर आप लोग रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो भाई ये इसमें कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रील्स वगैरह देखना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग रील्स वगैरह देखोगे तो भाई आपके सामने रील्स आएंगी, और जो भी रील्स अच्छी लगे तो भाई आपको उनको डाउनलोड करो सिंपल से, और उस पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दो। और भाई व्यूज की बात की जाए तो भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई कितना ज़्यादा ऐसे वीडियोज में व्यूज आता है। ओनली आपको बस फेस बस देना है, थोड़ा सा मतलब रिएक्शन देना है, इस प्रकार से रिएक्शन देना है, और भाई आप लोग लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हो मंथली। सो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ए टू जेड समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी, और भाई अगर वीडियो पसंद आए वीडियो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अलग से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।